नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सीएम भूपेश बघेल संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनते हैं। कोरोना भी था, संकट का समय था और इसी लगातार किसानों के हित में हम लोगों को काम कर रहे हैं ताकि यदि किसान मजबूत होगा तो छत्तीसगढ़ मजबूत होगा, छत्तीसगढ़ के लोग मजबूत होंगे और इसलिए हमने किसानों के पक्ष में ये घोषणा की है। आप लोगों ने घोषणा की, उधर डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर दिया कि हमारी सरकार आएगी तो पहले कैबिनेट में लोगों को आवास का वो हमने तो एक किस दे दिया भाई, राहुल जी के हाथ से बटन दबा के 7.5। मतलब ये है कि उस बात को समझिए कि 7 लाख लोगों को दिया जो 2011 के सर्वे में, 47,000 ऐसे लोगों को दिया जो भारत सरकार ने सर्वे किया ही नहीं। हमने आर्थिक सर्वेक्षण कराया 1 अप्रैल से, उस आधार पे हमने पाया कि 47,000 लोग अभी भी आवासहीन हैं, तो उन लोगों के पहले किस्त जारी हो गई। अब जो हमने सर्वे कराया है उसमें 10 लाख लोग हैं जो पात्र हैं, उसको भी हम लोग देंगे। अब रमन सिंह जी किस आधार पे देंगे, ये भारत सरकार के जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो तो हो नहीं रहा है और न जनगणना हो रहा है, तो जो हमने सर्वे कराया उस आधार पे करेगा, भारत सरकार ने कराया वो तो कंप्लीट हो गया, सबके राशि चली गई, पहली किस्त इसमें जारी हो गई, 7 लाख बचा था उसका भी जारी कर दिया। अब जो हमने किया वो 47,000 लोगों को किया है, तो कुल मिला के 17.5 लाख लोगों को हम लोग आवाज देंगे, प्रियंका जी ने जो घोषणा की। बच्चे लोग अच्छी बात है। और कोई सवाल? सर, आप इसी माध्यम से लगातार ध्रुवीकरण की कोशिश कुल मिला के देखो, ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का प्रदेश है। रमन सिंह या भारतीय जनता पार्टी को 15 साल उसकी याद नहीं आई, पूरी दुनिया में एक मात्र मंदिर है उसका भी उन्होंने न संवर्धन किया, न संरक्षण किया, न विकास किया, उस हमारी सरकार ने किया। और राम वनगमन पर्यटन परिपथ में लगातार हम लोग कोरिया जिले में मूर्ति की स्थापना राम जी की, रामगढ़ में हमने किया, उसके बाद शिवरी नारायण, फिर जमखुरी, फिर राजिम, चंपारण, सिहावा, सब जगह भगवान राम की मूर्ति स्थापित कर ली। ये लोग राम के नाम से वोट भी मांगते हैं और नोट भी मांगते हैं। राम हमारा हम सबके आस्था के केंद्र बिंदु, चाहे वो साकार के मानने वाले हों चाहे निराकार के रूप में मानने वाले, सब मानते हैं राम को। तो राम हमारे आस्था का विषय है, न कि वोट और नोट का विषय है। और हम लोग इसमें मामले में वोट मांग भी नहीं रहे हैं, हमने इतने एक मंदिर मना कितने बार से वोट मांग रहे हैं, है ना। और वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, उसमें इनका क्या योगदान है। हम लोग तो यहाँ हमने कहा नहीं था कि हम इसको राम वनगमन पर्यटन परिपथ बनाएंगे, मूर्तियाँ स्थापित करेंगे, हमने नहीं कहा था, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के आस्था का केंद्र है, सब लोग मानते हैं और हमने बनाया। ये अपने बूते ये लोग कुछ नहीं करेंगे, वो राम नाम जपना पराया माल अपना, इनका एक एक सूत्री कार्यक्रम है। और पर भरोसा, तीन भरोसा, पर भरोसा भी अब कोई नहीं है, तीन बार हो चुका। अरे बात ना यार, उसी उसी बार कितने पूछो। मणिपुर को लेकर आरएसएस प्रमुख का एक बयान है जिसको कह रहे हैं कि मणिपुर के हालात सुधर रहे हैं और कुछ बाहरी ताकत है और कुछ देश के लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े। तो दो प्रमुख लोगों की बात मैं बता देता हूँ। एक हमारे विश्व गुरु हैं, वो कहते हैं कि हमारे भारत की सीमाएं सुरक्षित। दूसरी तरफ मोहन भागवत जी हैं जो संघ प्रमुख हैं, वो कहते हैं कि बाहरी ताकत उसमें लगी हुई है। कि दोनों तय कर ले कि कौन सच बोल रहा है, दोनों बात में दो बिल्कुल विरोधाभास है। भागवत जी कह रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं, दोनों अंतर विरोध है। अब कौन सही बोल रहे हैं ये दोनों मिलकर तय कर लें और देश को बताएं कि देश सीमाएं सुरक्षित है, तो फिर बाहरी ताकत आ कैसे गया। और मोहन भागवत जी कह रहे हैं तो गलत नहीं बोल रहे हैं, बाहरी ताकत आई है तो फिर विश्व गुरु जो कह रहे हैं वो गलत है, दोनों विरोधाभास है। तो ये दोनों मिलकर गुमराह मत करें देश को। ये पूर्व में
अजय वो तो बोले थे, उन्होंने क्या कर लिया? मैं कहता हूँ मोदी जी से मांग कर रहा हूँ पूरे देश में शराबबंदी करे। हमारा तो लैंड लॉक स्टेट है, गुजरात से आते हैं वहाँ बंद है, पूरे देश में बंद करे। वो प्रधानमंत्री हैं, हमारे यहाँ अपने आप बंद हो जाएगा। आरक्षण का पेच अभी भी फंसा हुआ है, लगातार आप लोग कितनी बार अपील कर चुके हैं राजभवन में, अभी तक अटका हुआ। क्या सरकार जब दोबारा बनेगी तो फिर से दोबारा आरक्षण? बिल्कुल करेंगे, अभी भी मांग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अभी रायपुर जो महाधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसके बाद CWC की बैठक हैदराबाद में हुई, वहाँ भी यह प्रस्ताव पारित हो कि 50% की जो सीमा है उसे खत्म किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही 60% कर चुके हैं, तो ये सीमाएं खत्म होनी चाहिए। जाति जनगणना की बात हो रही, ठीक है, थैंक यू। राम ट्रस्ट भूमि पर आशीष छाबड़ा को कब्जा करने का आरोप लगा है। अरे चल यार, उसे पूछ लेना।